हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ इट इज की शॉर्ट फॉर्म को किस तरह से हमने स्पोकन इंग्लिश में यूज करना है, क्योंकि मुझे ये लगता है, पता है मुझे, कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको इंग्लिश ग्रामर भी आती है काफी सारी, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में जो है वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, इसलिए कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। आप प्रैक्टिस करा करिए। मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में बताया कि मिरर के सामने खड़े होकर आपने प्रैक्टिस करनी है। आज जो मैं सेंटेंसेस बता रही हूँ ये भी आपने मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करनी है, और आप ये देखेंगे कि कुछ ही दिन में, मतलब एक दिन में भी हो सकता है ये काम अगर आप ज्यादा देर प्रैक्टिस करो, लेकिन अगर आप 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, इवन 5 मिनट्स भी प्रैक्टिस करते हो तो कुछ ही दिनों में देखोगे कि ये सारे सेंटेंसेस जो है ना आपके अपने बन गए हैं। आपके अपने सेंटेंसेस इंग्लिश में कब बनते हैं? जब उनकी प्रैक्टिस करके आप उनको अपनी लाइफ में उतार लेते हो, मतलब आप अपनी डे टू डे जिंदगी में उनको यूज करना शुरू कर देते हो। तो चलिए आज सेंटेंसेस कर लेते हैं कुछ इट इज से, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है इट्स। इट इज की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? इट्स। इट्स तो देखते हैं, और देखो अगर आप बोलोगे इट इज और अगर आप बोलोगे इट्स तो फ्लो आता है ना थोड़ा सा बोलने में, तो उसी वजह से हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं जब हम स्पोकन इंग्लिश, मतलब जब हम इंग्लिश बोलते हैं। तो जैसे अगर ये बोले कि इट्स अ गुड आइडिया, ऐसे बोलते हैं ना ज्यादातर हम, ये अच्छा आइडिया है ये, तो उसके लिए आप बोलेंगे इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, अगर आइडिया अच्छा लगे तो आइडिया के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करो, इट्स अ गुड आइडिया। और अगर ये बोला कि ये एक अच्छा आइडिया है तो इट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हो। अगर जैसे इट्स अ गुड आइडिया, इसके बजाय अगर आप बोलोगे इट इज अ गुड आइडिया तो फ्लो नहीं आएगा ना आपके बोलने में, तो बोलेंगे आप इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया। नेक्स्ट है इट्स अ नाइस कार। किसी भी चीज को अगर आपने बोला है कि ये अच्छी चीज है, ये नाइस है, तो मैंने कार ले लिया, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, इट्स अ नाइस कार, इट्स अ नाइस पर्स, इट्स अ नाइस ड्रेस, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट्स अ नाइस कार। नेक्स्ट, इट्स योर आइडिया। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये तुम्हारा आइडिया है, हम बोलते हैं कि अच्छा ये तुम्हारा आइडिया है, अच्छा ये काम बहुत अच्छा किया तुमने, अरे भाई ये तो तुम्हारा ही आइडिया है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? इट्स योर आइडिया, इट्स योर आइडिया। या फिर अगर कुछ गलत काम हो जाता है तो हम बोलते हैं ना कि भैया तुम्हारा आइडिया, भाई मेरा आइडिया नहीं है ये, तो कैसे बोलना है उसको भी? इट्स योर आइडिया नॉट माइन, इट्स योर आइडिया नॉट माइन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग। अगर कोई चीज है आपके घर में, मिक्सी है, कोई भी मशीन है जो काम नहीं कर रही है, तो आप बोलेंगे इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग। और कुछ भी, जैसे कोई आइडिया भी अगर हो कि अच्छा तुमने ये आइडिया मुझे दिया तो ये वाला आइडिया काम नहीं कर रहा है, तो कैसे बोलेंगे? इट्स नॉट वर्किंग, योर आइडिया इज नॉट वर्किंग की बजाय हम ये भी बोल सकते हैं इट्स नॉट वर्किंग, मैंने तुम्हें एक सजेशन दिया था, मैंने तुम्हें एक आइडिया दिया था, इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ये तो आप यूज करते ही हो गए आई थिंक अपनी डे टू डे जिंदगी में, अगर नहीं करते तो यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, ये इट्स ओके, इट्स ओके। जैसे कोई ओहो यार मेरे से गलती हो गई, आप बोलते ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो उसके बजाय आप बोलेंगे आज से इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। ठीक है, तो आज से ही मैं चाहती हूँ कि आप ये यूज करो, ये वाले सेंटेंसेस जो हैं, जब भी आपको मौका मिले आप सेंटेंसेस ये वाले जरूर जरूर यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम इसलिए लोगों को आ रही है क्योंकि वो स्पोकन इंग्लिश में ठीक नहीं है, मतलब वो इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। और मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने का एक मेन मकसद ये भी है कि आप इंग्लिश ठीक से बोल पाए। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी आज की वीडियो। अगर आपका आंसर यस में है, लाइक के बटन को जरूर जरूर प्रेस कर देना, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए करते हैं अब गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।